दोस्तों आप भी अगर यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा हम सब जानते हैं आज 18 जुलाई से भारत का श्रीलंकाई दौरा शुरू हो चुका है, जिसके लिए फैंस और खिलाड़ी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहले ओडीआई में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब सेकंड ओडीआई के लिए क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग 11। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है भारत और श्रीलंका में से कौन बेहतर टीम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं अनुभवी खिलाड़ी की गैर मौजूदगी में बीसीसीआई ने युवाओं से सजी एक टीम को तैयार करके श्रीलंका के दौरे के लिए रवाना किया था। बता दें भारतीय टीम में से एक से बढ़कर एक शानदार युवा खिलाड़ी शामिल है। दोस्तों पहले ओडीआई में खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन दिखाया। भारत ने पहले गेंदबाजी करके श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाजों को नेस्तनाबूद कर दिया और वहीं बल्लेबाजी करके श्रीलंकाई गेंदबाजों को खूब धूल चटाई। हालांकि इससे पहले ओडीआई मैच में जैसे कहा जा रहा था कि कई युवा खिलाड़ियों को इस मैच में खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को देखने के बाद ये सारी बातें गलत साबित हो गई। पर अब सिलेक्टरों की माने तो वो दूसरे ओडीआई मैच में कई युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों बता दें भारतीय टीम की प्रैक्टिस और पहले वनडे मैच के प्रदर्शन को देखकर क्या हो सकती है भारतीय टीम की दूसरे ओडीआई मैच में प्लेइंग 11। दोस्तों दूसरे ओडीआई मैच में भी टीम की सलामी बल्लेबाजी की कमान शिखर धवन के साथ पृथ्वी शो ही संभालते नजर आएंगे। इन दोनों की जोड़ी ने हमेशा से अपनी आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स को शानदार शुरुआत दिलाई है, उसी तरह इन दोनों की जोड़ी ने पहले ओडीआई में भी कुछ ऐसा ही शानदार प्रदर्शन दिखाया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दूसरे ओडीआई में भी इन दोनों की जोड़ी हमें मैदान पर उतरती नजर आएगी। दोस्तों वही बात की जाए तीसरे नंबर के खिलाड़ी की तो इस पोजीशन पर हमें पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी सूर्य कुमार यादव ही नजर आएंगे। उनसे दूसरे ओडीआई मैच में भी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन की उम्मीद करी जाएगी। दोस्तों अगर बात की जाए चौथे नंबर के खिलाड़ी की, इस मैच में भी पहले ओडीआई की मैच की तरह दूसरे मैच में भी विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी करते नजर आएंगे ईशान किशन, क्योंकि संजू सैमसन चोट के कारण पहले ओडीआई से बाहर थे और ये कहा जा रहा है कि वो अब दूसरे ओडीआई से भी बाहर रहेंगे, इसलिए उनकी जगह ईशान किशन को खिलाया जाएगा। दोस्तों वही एक बार फिर भारत का मिडिल ऑर्डर संभालते नजर आएंगे मनीष पांडे। इसके बाद हमें दूसरे ओडीआई में भी पांड्या भाइयों की जोड़ी नजर आएगी, क्योंकि दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम को गेंदबाजी और बल्लेबाजी में जबरदस्त सहयोग दे सकते हैं, तो भारतीय टीम में इन दोनों खिलाड़ियों को होना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं इसी के बाद आठवें नंबर पर भारत के इस सीरीज के सबसे मुख्य खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार नजर आएंगे। दोस्तों अगर बात की जाए दूसरे तेज गेंदबाज की तो इस दूसरे ओडीआई मैच में हमें एक बदलाव नजर आ सकता है। जहां पहले मैच में दीपक चाहर को मौका दिया गया था, वहीं इस मैच में उनकी जगह नवदीप सैनी या भारत के युवा तेज गेंदबाज चेतन सकारिया को मौका दिया जा सकता है। अब देखना ये रहेगा कि इन दोनों खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी को दूसरे ओडीआई मैच में मौका मिलेगा। अगर बात की जाए स्पिन गेंदबाजी की तो दूसरे मैच में भी हमें यानी कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल की जोड़ी दोबारा नजर आ सकती है, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पहले ओडीआई मैच में जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या दूसरा ओडीआई मैच में भारतीय टीम जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करके सफल रहेगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।